हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का टॉपिक आप लोगों का, इनकम्प्लीटेड डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, मेंडल के अनुसार बेटा जी, उन्होंने क्या कहा था कि जब हम क्या कराते हैं, कोई भी दो एक डोमिनेंट एक क्या लेते हैं, रिसेसिव लेते हैं कैरेक्टर, उनका क्या कराते हैं, हम F1 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं बेटा जी, तो क्या होगा उन लोगों का डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं, ठीक है। उसलिए उन्होंने क्या दिया था, लॉज ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉज ऑफ डोमिनेंस दिया था। बट यहाँ तो उससे भी अलग चीज है। जब हमने क्या कराया बेटा, जब कौन थे, एक साइंटिस्ट थे बेटा कॉर्न, कौन थे जी, कौन थे, उन्होंने क्या किया, एक फ्लोर था मिराबिलिस जलाफा, या फिर उसको बोला जाता है बेटा फोर ओ क्लॉक प्लांट, फोर ओ क्लॉक प्लांट बोला जाता है बेटा। उसके उनके अनुसार, कॉर्न के अनुसार क्या किया इन्होंने, जब रेड एंड व्हाइट फ्लोर को बेटा क्या कराया, क्रॉस कराया, यू नो रेड क्या हो जाएगा लोगों का, आर आर, कैपिटल आर आर, और व्हाइट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा बेटा, ठीक है। गैमेट्स बने हमारे क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। हमने जब इनको क्रॉस कराया तो हमें कुछ देखने को अलग मिला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स बेटा हमें क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे रेड मिलना चाहिए था, बट हमें इन दोनों से मतलब दोनों पेरेंट्स से बेटा अलग मिल रहा है, जो कि मिल रहा है एफ वन जनरेशन में मेरे दादा लोग पिंक मिल रहा है। कैसा मिल रहा है जी, पिंक मिल रहा है, ठीक है। जब इन्होंने, आप लोगों को पता है, अब इनकी क्या कराएंगे हम, सेल्फिंग कराएंगे बेटा, क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे भाई, सेल्फिंग क्रॉस कराएंगे। तो आप लोगों को पता है कैपिटल आर स्मॉल आर, जब हम इनका क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से, भाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से, तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर भाई स्मॉल आर, क्या वही रेशो आ रहा है आप लोगों का। F2 जनरेशन में हमें रेशो देखने को मिल रहा है 1:2:1, कैपिटल आर आर, एक क्या मिल रहा है आप लोगों को, दो क्या मिल रहे हैं, पिंक मिल रहे हैं, एक क्या मिल रहा है मेरे बेटा, रेड मिल रहा है, एक कैसा मिल रहा है दोबारा से आप लोगों को, व्हाइट मिल रहा है, कैसा मिल रहा है जी, व्हाइट मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। कैसा, एक रेड मिल रहा है F2 जनरेशन में, दो कैसे मिल रहे हैं बेटा, पिंक मिल रहे हैं, और एक क्या मिल रहा है आप लोगों को, व्हाइट मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है आप लोगों को, व्हाइट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्न उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, बोथ फैक्टर्स सच एज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट, दोनों ही प्रेजेंट है F1 जनरेशन में बेटा, लेकिन दोनों ही इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कोई भी नहीं आप लोगों का, ना तो रिसेसिव है ना ही आप लोगों का डोमिनेंट है। अगर रिसेसिव होता तो मेरे बेटा यहाँ पे क्या जाता था, व्हाइट आ जाता, अगर डोमिनेंट होता तो कैसा जाता है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी आप लोगों का को डोमिनेंस। को का मतलब है दोनों क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस कर रहे हैं, दोनों ही बेटा अपने कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। मेंडल के अनुसार एक ही क्या करता था आप लोग का, F1 जनरेशन में जो डोमिनेट होता था बेटा वो ही क्या करता था, अपने कैरेक्टर शो करता था। मेंडल्स का रोल पहला थोड़ा आप लोगों ने पहली अभी देखा, लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उनमें दोनों ही कैरेक्टर क्या कर रहे थे आपका, शो कर रहे, बट इक्वली नहीं कर रहे थे, ब्लेंड हो रहे थे। इक्वली का मतलब है हमने लिया था एक व्हाइट एंड एक रेड बेटा, लेकिन उनमें से दोनों का कलर नहीं आ रहा था। कोडोमिनेंस का मतलब है इक्वली, मतलब 50% आप दोगे 50% मैं दूंगा अगर बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा दूंगा, बोथ द जीन्स एक्सप्रेस फॉर ए पर्टिकुलर वेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी दिस इज नो ब्लेंडिंग ऑफ वेक्टर। ब्लेंडिंग ऑफ वेक्टर का मतलब है जैसे आप लोगों का ब्लेंडिंग हो रहा था किस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि पिंक कलर आ रहा था, चेंज हो रहा था, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 50% क्या देगा, एक तरह देगा, 50% ही क्या देगा, दूसरा देगा, समझा रहे। नेक्स्ट वेयर है सो बोथ द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इक्वली, सबसे पहले देखते बेटा कोट कलर इन एनिमल्स, एक को एक का क्या ले लिया, स्किन कलर बोले तो ब्लैक, एक का क्या ले लिया बेटा हमने, व्हाइट। फॉर एग्जांपल्स एक का यहां से है उत्तराखंड, उत्तराखंड से है ये वाला, और एक कश्मीर से है, और ये वाला कहां से है आपका, बिहार से, समझा रहे ना, दोनों क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो कैसे होंगे भाई हमारे जैसे होंगे, मतलब अरे ओम जैसे, मतलब ना ही तो ज्यादा क्या होंगे, दोनों कलर आएंगे, मतलब कैसे कलर आएंगे, दोनों कलर आएंगे बेटा, ब्लैक भी एंड व्हाइट, क्लियर है। अब देखो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, और दोनों ही अपने शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ और सिर्फ व्हाइट दिखाई दे रहा है, दोनों ही क्या हो रहे हैं, 50% क्या हो रहे हैं, शो कर रहे हैं।
उसको बोलते हैं हमने कोडोमिनेंस। जब हमने इनको क्या कराया बेटा, सेल्फिंग कराया, तो आप लोगों को पता है रेशियो क्या जाएगा, आप लोगों का 1:2:1 आ जाएगा। 1 क्या जाएगा आप लोगों का, ब्लैक। 1 क्या जाएगा बेटा आप लोगों का, व्हाइट। और 2 क्या जाएंगे, रेड। समझ आ रहा है ना। इसमें भी क्या होगा आप लोगों का, जीनोटाइप एंड फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा आप लोगों का, सेम होगा। और क्या होता है लोगों का, ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए फॉर एग्जांपल किस में है, फादर में है, बी फॉर एग्जांपल मम्मा में है, तो दोनों क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगी नेक्स्ट वाले, उन दोनों में क्या होगा, दोनों फैक्टर शो करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, आई ए एंड आई बी। ठीक है, तो बेबी में क्या होगा बेटा, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। समझा रहे, तो दिस इज द एग्जांपल बेटा, कोड हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा, जो कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया है, इस लेसन में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, HbA एंड HbS, जब ये दोनों क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे, तो वो कैरियर होगा बेटा, और वो क्या शो करता है होगा, कोडोमिनेंस शो करता है। ठीक है, समझ में आया कोडोमिनेंस भाई आप लोगों को। हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप लोगों का। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने आप लोगों को मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा स्टार्च ग्रेन का, उस पे उसके बेसिस पे आप लोगों को बताया गया था कि स्टार्च ग्रेन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट साइज के भी होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल, और इंटरमीडिएट साइज के भी होते हैं बेटा। जो इंटरमीडिएट साइज के होते हैं वो मेरे द्वारा क्या शो करते हैं आप लोगों का, वो शो करते हैं बेटा, ठीक है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, in a pea plant large size starch grain is approached with a small size, so for example se maine kara diya beta, r large kya ho gaya aapko maine maan liya, capital r small kya ho gaya, capital r small r cross size starch grain beta, to humne kara diya, kya mila hume capital r small, intermediate mila beta, intermediate kyunki ये वाली प्रॉपर्टीज क्या शो करती है बेटा, इंटर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या करती है, शो करती है। अब ये लार्ज है तो कुछ ऐसा होगा बेटा, ये स्मॉल है तो कुछ ऐसा होगा, और ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का बेटा इंटरमीडिएट। समझ आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्वेश्चन, F1 जनरेशन इज ओके, नाउ F1 जनरेशन इज क्रॉस विद द स्मॉल साइज, कैपिटल R स्मॉल R क्रॉस करा दिया गया बेटा आप लोगों ने, किसके साथ क्रॉस करा दिया गया, स्मॉल साइज के साथ, तो क्या स्मॉल R स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल आर है स्मॉल आर बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों का आंसर बिल्कुल ही गलत है, जिन्होंने भी मुझे बताया है। वैसे कुछ बुद्धिमान ये भी कहेंगे कि सर इसको एक ही लेंगे हम, हाँ ले लो भाई, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि बेटा इसने पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन। अब इनमें लार्ज साइज तो कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, तो आप लोगों का क्या आएगा, बड़ा सा 0% आएगा, क्योंकि लार्ज साइज तो बेटा कोई भी नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन